हिंदुस्तान के जायके, नॉर्थ इंडिया के जायके को आपने यहाँ पे दुबई के अंदर ले आए। ये हमारा किचन है, किचन में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे हाईलाइट करना है वो हमारा तंदूर है। ये तंदूर जो है कोयला वाला है, हाइजीन में मतलब इतना इम्पोर्टेंट हाइजीन कि अगर इतना से भी ऊपर नीचे होता है तो यू विल स्टार्ट गेटिंग फाइन। मैं किचन में आया तो कैप पहन लिया, तो ये अगर कैप नहीं रही किसी टाइम पे भी तो आपको 5,000 का फाइन मिल सकता है। जो हमारा स्टॉकेज है पूरा, ओके, ये पूरा हमारा स्टॉकेज है और ये आपको दिखाता हूँ। ये आई थिंक बहुत कम रेस्टोरेंट यूजुअली करते हैं पर ये बहुत बेटर होता है। ओहो, ये हमारा कोल्ड स्टोरेज है। ये हम प्रॉन्स है, प्रॉन्स के ऊपर चिमीचुरी जो सॉस है उसको टॉपिंग करके हम उसको सर्व करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों का फोकस तंदूर के आइटम पे ज्यादा है जी। ये लखनवी कबाब जिस तरह से आपने पेश किया है ये रोटी के साथ कुछ अलग ही है। इसको एक्चुअली पराठे के साथ फोल्ड करके खाते हैं, इसको हर कस्टमर को हम बोलते हैं कि इसको आप हाथ से ही खाइए। और इसमें जो मटन है यहाँ पे यूजुअली मटन दो तीन तरीके के होते हैं। ओके, इसमें हमने इंडियन मटन पर्पसली यूज किया व्हिच इज क्वाइट कॉस्टली कंपेयर टू अदर मटन। अच्छा जी, तो हमने क्वालिटी के लिए उसको मेंटेन किया है। अस्सलामु अलैकुम, जायकों की दुनिया में आप सभी का इस्तकबाल है। इस वक्त मैं दुबई के एक इलाके करामा के अंदर हूँ। एक रेस्टोरेंट जो मुंबई बेस्ड लोगों ने यहाँ पे कुछ रोज पहले ही शुरू किया है। आपको पता है कि आपके इस भाई को जब कभी भी कोई रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन होता है तो लोग याद करते हैं और मैं भी उस नए रेस्टोरेंट के जायके लेकर के आपके सामने रूबरू होता हूँ ताकि आप लोगों के मालूमात के अंदर इजाफा हो, क्या कहाँ पर क्या चीज नहीं मिल रही है। तो आज जो है करामा के अंदर हूँ जिसे कि मैंने पहले जिक्र किया और आज इसी रेस्टोरेंट के तालुक से बात करेंगे, पूरी तफसीलात मुहैया करेंगे। होटल का नाम है मोहम्मद मसरूर। तो चलिए इसी के तालुक से गुफ्तगू करते हैं मगर इस बार तरीका कुछ अलग होगा, वही अयाज बरकाती स्टाइल में हम एक्सप्लोर करेंगे मगर साथ में होटल के जिम्मेदार भी रहेंगे। दोस्तों जैसे कि मैं कहा कि इस रेस्टोरेंट के जो ऑनर्स है वो मुंबई बेस्ड है, उनको बराबर से पता है कि नॉर्थ इंडिया के जो फूड है वो कैसे सर्व करना है, कैसा जायका हमको पेश करना है। मेरे साथ इस वक्त जो है इस रेस्टोरेंट के जो होल एंड सोल जो इंतजामिया के जीशान भाई से ही समझते हैं कि ये लोकेशन क्या है और इस रेस्टोरेंट की आगे की कहानी इनसे सुनते हैं। पहले तो वेलकम अयाज भाई, बहुत मोहम्मद मसरूर रेस्टोरेंट, और मैंने आपकी वीडियो काफी देखा हूँ जी, तो उसके लिए ही हम चाहते थे कि आप हमारे रेस्टोरेंट भी एक बार विजिट करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका आने के लिए हमारा। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, इस काबिल समझा। तो जीशान भाई, मुंबई के अंदर अक्सर जो है मैं पूरी ज्योग्राफी समझाता हूँ, मेरे वीडियो देखने के बाद है ना किसी को जरूरत नहीं रहती है विजिटिंग कार्ड बनाने की, उसके अंदर टेलीफोन नंबर भी आ जाता है, पोस्टल एड्रेस भी आ जाता है, कैसे आया जाता है वो। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं तो इस शहर के अंदर अजनबी हूँ, मुझे नहीं पता है, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताए कि यहाँ पे कैसे आया जाता है। प्लीज आइए, मैं आपको बाहर से समझाता हूँ जी। इस वक्त जिस जगह हम लोग खड़े हैं जी, उस जगह का नाम है करामा। ओके, ये करामा आप यहाँ पे साइक्लो रेस्टोरेंट है, ये हब है खाने पीने का। ओके, तो हमने जो जगह चाहिए है ये एकदम मेन हाईवे पे है, आप देख सकते हैं मेन हाईवे पे है। ये जो हाईवे है वो शेख जायद से आता है इधर टूवर्ड्स बर दुबई, टूवर्ड्स बर दुबई जाता है। और यहाँ पे आने के लिए आप वो देख सकते हैं वहाँ मेट्रो है जी। हाँ, मेट्रो ADCB मेट्रो का नाम है, ADCB मेट्रो स्टेशन। ये तो एकदम वॉकेबल, एकदम वॉकेबल, 2 मिनट का रास्ता है मतलब ये। आप वहाँ से उतर के वो बाई वॉक आप आ सकते हैं। ओके, और इधर से आप गाड़ी लाने के लिए आप इधर से आके, ये एम्पल पार्किंग है, 5 पार्किंग इधर है, आगे पार्किंग है, पीछे पार्किंग है उस साइड स्टार्ट में, एंड प्लस बैक में बहुत सारी पार्किंग है। तो पार्किंग का कोई भी मसला नहीं है, किसी को कभी भी टाइम आना है तो पार्किंग अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास नॉर्थ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडिया में देखिए हमारे पास बिरयानीज है, वेज नॉन वेज एंड चिकन मटन, हम मटन में डील करते हैं। बहुत कम रेस्टोरेंट यहाँ पे सिर्फ मटन में डील करते हैं, वो आइदर चिकन और बीफ में करते हैं, पर हम वेज चिकन और मटन में डील करते हैं। मटन हमारा इंडियन मटन है, ये हमारा कबाब प्लेटर है, तो इसमें डिफरेंट वो है, चिकन मटन एंड हमने प्रॉन्स भी रखा है, तो फिश में सिर्फ हम प्रॉन्स में यूज़ करते हैं। ये हमारा नानजा है विच आई वॉज टॉकिंग कि हमारा फ्यूजन है, तो ये नानजा है जिसमें नान के ऊपर हम प्लेटर बना के टॉपिंग्स रखते हैं, नानजा ये काफ़ी हमारा हिट डिश है। फिर ये इंडियन फ्यूजन में इसमें कीमा पाव है जिसको हम कीमा स्लाइडर बोलते हैं, ये ब्रुशेता है जिसमें हम बन पे लगा के, नॉट बन एग्जैक्टली बट ब्रेड पे उसके ऊपर टॉपिंग करते हैं इंडिविजुअली। फिर उसके बाद आप आए इधर, हमारे पास तंदूर्स है, ये हमारा तंदूर्स है, चिकन तंदूर्स है। फिर ये हमारा लखनऊ कबाब है, ये हमारा स्पेशल है, बहुत हिट डिश है ये कबाब, अभी आप जब टेस्ट करेंगे तो आप खुद ही बताएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास सैलड है, जो स्टार्टर के लिए हमारे पास सैलड है। फिर पास्ताज है हमारे पास कॉन्टीनेंटल, क्योंकि हम कॉन्टीनेंटल भी हमने स्टार्ट किया है तो हमारे पास पास्ताज है। फिर ये अगेन हमारा ये इंडियन फ्यूजन है, ये नान शॉर्ट्स है, तो नान शॉर्ट हमारे पास 2 तरीके के हैं, एक बटर चिकन नान शॉर्ट है, एक हमारा दाल मखनी नान शॉर्ट है।
ये लजानिया है, ये भी हमें पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल है। ये अगेन बिरयानी है, ये मटन बिरयानी है जिसका हमने मटन बिरयानी का पूरा फोटो। एक बात और, मटन यहाँ बिरयानी के साथ ग्रेवी भी देते हैं, रायता भी देते हैं। रायता सब देते हैं पर ग्रेवी बहुत फ्यू लोग देते हैं, सिर्फ हैदराबादी देते हैं, लेकिन वो साउथ स्टाइल में है। ये हमारी नॉर्थ स्टाइल की ग्रेवी है जो बहुत कम लोग देते हैं। फिर अगेन ये हमारा कबाब है, ये चिकन कबाब है हमारे पास। ये हमारा करी है, ये लाल मांस है। और फिर ये हमारी खुशियों की टोकरी विच इज़ रोटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटी है। फिर जैसा मैंने बताया कि हमारे पास चाट्स है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ चाट है, पापड़ी चाट, समोसा चाट है, फिर समोसाज भी है, बन मस्का है, चाय है। ये सिर्फ शाम के लिए, जो शाम को किसी को आना है, स्नैक्स खाना है, तो उसके लिए हमारे पास है। फिर हमारे पास फालूदाज है, काला खट्टा है, ये हमारा स्पाइसी गुआवा गुआवा है, मार्गरिटा। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ शेक्स हैं। और फिर हमारे पास स्वीट्स में है, स्वीट्स में हमारे पास गुलाब जामुन है, फिर रबड़ी, जलेबी है, और हमारे पास ठंडाई शॉर्ट्स है, और फिर हमारे चॉकलेट, रसगुल्ला, तिरामिसू है। ये हमारे पास स्वीट का सेक्शन है। थैंक यू। यहाँ पे ये डाइनिंग का इंतजाम आपके पास किस तरीके का है? ये हमारा फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, कंप्लीटली फाइन डाइन है। यहाँ पे हम नॉर्थ इंडियन फूड ऑफर करते हैं, नॉर्थ इंडियन, स्पेशली नॉर्थ इंडियन। ओके एंड उसके साथ हमने फ्यूजन भी ऐड किया है। तो दुबई में वी आर द वन ऑफ द फ्यू रेस्टोरेंट जो फ्यूजन में डील करते हैं। अच्छा, नॉर्थ इंडियन का टेस्ट है प्लस फ्यूजन भी हमारे पास है। और आप देख रहे हैं एम्पल ऑफ स्पेस है, ओपन स्पेस है, इसमें अराउंड 80 सीटिंग्स है। ओके, एट ए टाइम 80 लोग बैठ के साथ में खाना खा सकते हैं। ओके, ये पर्दे का क्या इंतजाम है? ये हमने क्या किया कि यहाँ पे कुछ कुछ जैसे फैमिलीज आती है उनको चाहिए, तो हमने एक थोड़ा से आपने देखा स्टेज बनाया जी, स्टेज टाइप बनाया है। हाँ, ये बर्थडे पार्टीज हो गया है तो किसी को वो चाहिए, पर्दा चाहिए, तो हम इसको बस ऐसा खोल के, ये रिमूवेबल है, इसको आप ऐसा खोल के ये ऐसा लगा देंगे, तो इट विल बी अ सेपरेट सेक्शन फॉर फैमिली। ओके, ऐसा करके एक सेपरेट सेक्शन हो जाएगा फैमिली के लिए। ये हमारे 12 सीट्स है यहाँ पे, 24 सीट्स है। मतलब एक फैमिली आती है और वो पर्दा चाहती है तो आपके पास उसका बराबर से पूरा इंतजाम है। और ये यहाँ पे टोटल जो है डाइनिंग इस तरह से है, पूरा कंप्लीटली डाइनिंग हमारा, ये पूरा कंप्लीट डाइनिंग है। हाँ। ये हमारा, और टोटल जैसे आपने बताया कि 80 लोगों का हमारे पास इंतजाम है। ठीक है, इस साइड दिखाते हैं आपको, देखिए हमारे पास ये हमने एक सेल्फी वॉल काइंड ऑफ क्रिएट किया है। आजकल लोग बहुत ज्यादा फोटो लेने का सबको शौक है, तो ये सेल्फी वाला मामला यहाँ दुबई भी पहुंच चुका है। दुबई में तो पहले से है ना, यहाँ पे विजिटर्स ज्यादा आते हैं, यहाँ तो पहले से है, तो उसी को हमने एक कैटर किया है ताकि पब्लिक आए तो अपनी सेल्फी ले के, हैशटैग भी हमने दिया है ताकि हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके टैग करें, तो हम उनको डिस्काउंट भी ऑफर कर दें। ओके, ये हमारा मॉकटेल एरिया है। ओके, इसमें आपको डिफरेंट तरीके के जूस मिलते हैं, फालूदाज है हमारे पास, और हमारे पास चाट्स सेक्शन है, समोसा है, स्वीट्स है, ये सारे सेक्शन ये है। और प्लस इसके एंट्री भी हमने डिफरेंट दी है कि अगर किसी को स्नैक्स खाना है आके खा के निकल जाए, डाइनिंग में कहीं भी किसी को इम्पैक्ट नहीं करेगा। ओके ओके, मैं चाहूँगा कि मैं आपका किचन देखूँ। हाँ प्लीज आइए, आइए प्लीज़ आइए जी। तो ये हमारा किचन है, किचन में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे हाईलाइट करना है वो ये हमारा तंदूर है। ये तंदूर जो है कोयला वाला है। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो है अक्सर जो है वो गैस वाला रहता है ना? जी, गैस है, था इलेक्ट्रिक है, वैसा है। तो ये तंदूर के बाद ये तंदूर की रोटियाँ तैयार हो रही है? हाँ, एक में रोटी है और दूसरे में जो भी तंदूर आइटम उनको लगाना रहता है। ओके, तो तंदूर आइटम लगाते हैं, अभी आपको डेमो देंगे वो तंदूर आइटम लगा के। फिर ये हमारा इंडियन किचन है। ओके, ये इंडियन है, ये कॉन्टिनेंटल है हमारा। ओके, और फिर यहाँ से आप ऐसे जाते जाते बाहर जाएंगे तो ये हमारा, आपने देख लिया, ये हमारा स्नैक्स है। एक ये जलेबी फ्राई हो रही है, ये यहाँ पे ये जलेबी बन रही है। हाँ, ये जलेबी बन रही है, फ्रेश जलेबी है। ओके, फिर ये हमारा वॉशेबल सेक्शन है जो पूरा वॉश हो रहा है। मुझे इंडिया में और यहाँ पे है ना एक चीज़ का फर्क मुझे लगा, ये मेरा सेकंड रेस्टोरेंट जो मैं दुबई में एक्सप्लोर कर रहा हूँ जी, कि यहाँ पे है ना हाइजीनिक का बड़ा ख्याल रखा गया है। बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल है हाइजीन में, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है हाइजीन कि अगर इतना से भी ऊपर नीचे होता है तो यू विल स्टार्ट गेटिंग फाइंस। फाइंस बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे आपने देखे मैं किचन में आया तो कैप पहन लिया जी, तो ये अगर कैप नहीं रही किसी टाइम पे भी तो आपको 5,000 का फाइन मिल सकता है। मुझे भी शूटिंग के लिए पहनना पड़ा क्योंकि अगर नहीं पहनूंगा और किचन में गया तो फिर फाइन है। और ये हमारा सेक्शन है जी, जो हमारा स्टॉकेज है पूरा। ओके, ये पूरा हमारा स्टॉकेज है और इसी के साथ ही ये पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा हमारा स्टॉक एरिया है। और ये आपको दिखाता हूँ, ये आई थिंक बहुत कम रेस्टोरेंट
यूजुअली करते हैं और ये बहुत बेटर होता है। ओहो, ये हमारा कोल्ड रूम है, कोल्ड स्टोरेज है। इससे बेनिफिट ये होता है कि हमको एक तो सारे आइटम हमारे जो हैं जितने भी आइटम हैं वो हेल्प करता है प्रिजर्व लॉन्गर, और उससे हमारे कॉस्टिंग भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। ओके, क्योंकि इसको लॉन्गर प्रिजर्व कर सकते हैं। तो अब हमने काफ़ी घूम लिया है, अब चलिए हम खाने की तरफ चलते हैं। थैंक यू, अब आइए आप बैठिए, फिर हम लोग खाना फाइनल जिसके लिए आप आए हैं तो उसको टेस्ट करिए एक बार जी, फिर हमें फीडबैक दीजिए प्लीज़। दोस्तों, रात का खाना मुझे सर्व हो चुका है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो हमें पकवाना जो सर्व हुए हैं उसके ताल्लुक से मजीद गुफ्तगु करते हैं। पहले मैं आपको समोसा चाट थोड़ा सा चखा देता हूँ, आप थोड़ा सा चख लीजिए, फिर उसके बाद स्टार्टर पे जाते हैं। ओके, समोसा चाट, तो समोसे के अंदर ये चाट बनाई हुई है जी, ये चाट में समोसा मिक्स है। जिसे हम मुंबई के अंदर भेल कहते हैं जी, तो समोसे के अंदर जो है एक तरीके से पूरी भेल बनाई गई है जी, जबरदस्त, अमेजिंग। अब हम इसके बाद स्टार्टर से शुरू करते हैं जी। अब हम प्रॉन्स टेस्ट करते हैं। इसका, इस डिश का नाम क्या है सर? चिमी चूरी प्रॉन्स। ये हम प्रॉन्स है, प्रॉन्स के ऊपर चिमी चूरी जो सॉस है उसको टॉप इन करके हम उसको सर्व करते हैं। प्रॉन्स के अंदर जो है मुख्तलिफ सॉस का इसके अंदर जायका आया हुआ है जी, जैसे कि नॉर्मली जो ग्रेवी रहती है तो ग्रेवी का ज़्यादा, इसके अंदर ऐसा नहीं है, स्टार्टर बनाया हुआ है इसके लिए। आप इसका मेन जो है सॉस का टेस्ट, मतलब प्रॉन्स के अंदर सॉस का टेस्ट, ठीक है सर। ये भी तंदूर में वो किया हुआ है, अच्छा किया हुआ है, तंदूर किया हुआ है वो, इसीलिए उसका टेस्ट एकदम डिफरेंट आएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों का फोकस तंदूर के आइटम पे ज्यादा है जी। अभी हमें लखनवी कबाब आप टेस्ट करिए। ये लखनवी कबाब जिस तरह से आपने पेश किया है, ये रोटी के साथ कुछ अलग ही है। इसको एक्चुअली पराठे के साथ फोल्ड करके खाते हैं। ओके, जब आप पराठे के साथ फोल्ड करके खाएंगे तो आपको उसका टेस्ट एक डिफरेंट आएगा। ओके, तो इसको इसी पराठे के साथ ही जी, पराठे के साथ फोल्ड करके बस आप एक बार खा लेंगे, सैंडविच करके खाना है। इसको हर कस्टमर को हम बोलते हैं कि इसको आप हाथ से ही खाइए, डू नॉट यूज कटलेरीज, ये हाथ से खाएंगे उतना टेस्टी आएगा। गलावटी कबाब में पूरा खेल जो रहता है खुशबू का रहता है जी, बराबर है। और आपने इसके साथ बड़ी ही इंसाफ किया है, मतलब जो खुशबू का खेल है वो पूरा खेला है आपने। और इसमें जो मटन है, यहाँ पे यूजुअली मटन दो तीन तरीके के होते हैं। ओके, इसमें हमने इंडियन मटन पर्पसली यूज किया है। ओके, तो उससे आपको टेस्ट एक डिफरेंट टेस्ट ही आता है इंडियन मटन। यहाँ पे अफ्रीकन मटन भी होते हैं, बाकी अलग मटन होता है, लेकिन हमने इंडियन मटन पर्पसली यूज किया है, विच इज क्वाइट कॉस्टली कम्पेयर टू अदर मटन। अच्छा जी, हमने क्वालिटी के लिए उसको मेंटेन किया। तो खाने के टाइम पे आपको समझ में आ जाता है, जैसे आप खाना स्टार्ट करते हैं, हिंदुस्तान के जायके जी, नॉर्थ इंडिया के जायके को आपने यहाँ पे दुबई के अंदर ले आए हैं जी। अब नेक्स्ट हम करेंगे मटन सीख कबाब है ये। ओके, विच चिमिचुरी सॉस है। ओके, उसे आप एक पीस प्लीज सर्व करना, आप इसको खा के देखिए। मैं आपको एक 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 पीस ताकि सारा टेस्ट करें आप जी जी, इसीलिए बहुत लजीज है। मगर इसके ऊपर जो ये चटनी लगी हुई है मुझे लगता है वो इसकी जान है जी जी। तो हमारे पास दो तीन तरह की चटनी है, चिमी चूड़ी है, पेरी पेरी है, ऐसी नॉर्मल अपनी हरी चटनी है, तो तीन चार तरीके के फ्लेवर की चटनी हमने बना के रखा है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि नॉर्थ इंडिया के मशहूर और मारूफ खाना है एक हिंदुस्तानी ने यहाँ पे ले आया है, उस चीज़ की बड़ी मुझे खुशी है। एक्चुअली हुआ क्या था, यहाँ पे जब भी हम लोग नॉर्थ इंडिया के नाम पे तीन चार ही रेस्टोरेंट हैं, और बाकी यूजुअली नेबरिंग कंट्री के ज्यादातर रेस्टोरेंट हैं, और एक्चुअल ऑथेंटिकेट नॉर्थ इंडियन नहीं है। Okay. फिर जैसे अमृतसर है उसी पंजाब को कैटर करता है, कंप्लीट नॉर्थ इंडियन नहीं, लखनऊ दिल्ली और राजस्थान मुंबई ये सबको कैटर नहीं करता है। तो हमने वही सारे लोग को मिला के एक कुजीन बनाया और उसको फाइन डाइन पे हमने डेवलप। अब हमारा चिकन तंदूरी आप ट्राई करके देखिए। इसकी लाली बता रही है कि एकदम जबरदस्त होगा, ये देखिए, विदेश में देसी खाना, प्योर देसी खुशबू नॉर्थ इंडिया की जी। सर, अब की नई नई शुरू हुई होटल जी। ओके, कुछ रोज ही हुए हैं,
तो इन कुछ रोज के अंदर जो भी कस्टमर रिपीट आपके पास आया है तो उसने सेम यही ऑर्डर रिपीट किया है? जी जी, वो एक तो रिपीट ऑर्डर भी हमारे, जैसे हमारा ये कबाब है, हमारे तंदूरी है, तंदूर है, ये प्रॉन्स है, ये वन ऑफ द फेवरेट डिशेस है। ओके, तो ये सारी चीज रिपीट हुई है। और उसके अलावा वो ये देखते हैं कि और क्या क्या आइटम है, नए भी ट्राई करते हैं। जी, हमारे पास 150 प्लस आइटम्स है। ओके, ओवरऑल मेन्यू में हमारे, तो नए नए आइटम भी ट्राई करते हैं। पर मोस्ट ऑफ द फेवरेट अभी फिलहाल कबाब, तंदूर और ये प्रॉन्स, ये काफी फेवरेट है। ओके, अपार्ट फ्रॉम बिरयानी हमारा फ्यूजन जो हमारे बाकी चीज है उसमें ज्यादा वो फोकस कर रहे हैं। ओके, ये मेन कोर्स हमारा बटर चिकन, बटर चिकन भी थोड़ा टेस्ट करवाइए प्लीज। तो ये है बटर चिकन। जी, हिंदुस्तान के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर शायद ही कोई फैमिली जो है बटर चिकन और क्रिस्पी का ऑर्डर ना देती हो। और ये खुशियों की टोकरी है जिसमें डिफरेंट वैरायटीज ऑफ नान है। अच्छा, गार्लिक नान है, चीज नान है। ओके, और नॉर्मल नान है, तो ये खुशियों की टोकरी हमने इसको नाम दिया है। अच्छा, खुशियों की टोकरी। हाँ, और ये आटा है, मैदा नहीं है। ओके, पूरा पूरा आटा है, फर्स्ट क्लास, और तंदूर में कोयले में बनी है, खुशियों की टोकरी। जी, आप अगर दुबई में रहते हो या दुबई आते हो और आपको अगर हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू आती है और हिंदुस्तान के खाने का अगर खाने हो तो आप जहाँ पे जाते हो वहाँ पे जाइए, खाइए, लुत्फंदोज होइए। लेकिन एक बार जो है यहाँ पे भी आके खाइए, आपको हमारा मुल्क हिंदुस्तान याद आ जाएगा। इस कदर इन्होंने जिस तरह से बताया कि नॉर्थ इंडियन फूड इनका कॉन्सेप्ट बेसिक है तो उसी के ऊपर बेस है ये, तो बराबर इन्होंने नॉर्थ इंडियन फूड जो है यहाँ पे ले आया है। सर, अब क्या है इसके बाद? ये हमारी मटन बिरयानी है। ओहो हो हो, क्या बात है। जैसे ही उन्होंने रोटी हटाई है एक महक आई है, एक खुशबू आई है। बिरयानी का तो एक अपना ही मजा है। सर, इसके साथ मटन बिरयानी के साथ ये ग्रेवी है और ये हम एक देते हैं रायता। अच्छा, तो ये यहाँ पे हर कोई देता है कि सिर्फ आप ही दे रहे हैं? रायता तो सभी देते हैं, पर ग्रेवी सिर्फ हैदराबादी बिरयानी में आपको मिलेगी। ओके, लेकिन हमने नॉर्थ इंडियन बिरयानी में भी ग्रेवी स्टार्ट किया है। ओके, तो कुछ लोगों को ग्रेवी लगती है तो उसके हिसाब से हमने ग्रेवी बना के दिया है। ओके, आपको एक अच्छी बिरयानी खानी हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही बेहतरीन, लज्जतदार, ज़बरदस्त है। इतने लज्जतदार स्टार्टर खाने के बाद, मेन कोर्स खाने के बाद, बिरयानी खाने के बाद, अब वक्त हो गया है डेजर्ट के बारे में पता करना, मालूम करना कि क्या हमें सर्व हुआ है। सर, ये सब क्या है अभी? ये हमारा गुलाब जामुन विद रबड़ी है। गुलाब जामुन विद रबड़ी? जी। ओके, आप ट्राई करिए एक बार, ये इन हाउस मेड है। इन हाउस है हमारा। ओके, इसे हम कह सकते हैं कि एक बेहतरीन गुलाब जामुन। जी, ये आप खाते ही घुल जाता है मुंह, सबसे इसकी क्वालिटी वही है। और ये हमें जलेबी है, जलेबी विद रबड़ी है। जलेबी आप ट्राई करिए। जलेबी विद रबड़ी? जी। रबड़ी यहाँ पे आसानी से दस्तयाब है? नहीं नहीं, आसानी से नहीं है, पर क्योंकि लोगों को पसंद है रबड़ी इसलिए डालते हैं। ये जूसी जलेबी है, मुँह में रखें आपको घुल जाएगी पूरी। जबरदस्त। और ये काला खट्टा हमारा, काला खट्टा है। ओके, हाजमे के लिए भी काम आएगा आपके। सर, इसमें कितनी वैरायटी है अपने पास? इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 10 वैरायटीज है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, जिसको हम मॉकटेल बोलते हैं। प्लस हमारे पास फालूदास भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ फालूदा भी हमने, ओके, हमने इसको रखा हुआ है। दोस्तों, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हिंदुस्तान के जो खाने, बिलखुसूस नॉर्थ इंडिया के खाने जो है, आपको दुबई जैसे शहर के अंदर दूसरे भी लोग ऑप्शन देते हैं, काफी देते हैं, लेकिन एक खालिस हिंदुस्तानी खाना हिंदुस्तान के लोगों के जरिए यहाँ पे रेस्टोरेंट खुली है, जो एक बहुत बड़ी बात है। नॉर्थ इंडिया के जो खाने जो रहते हैं उसका एक अपना ही मुकाम रहता है, उसका एक अलग ही जायका रहता है, और हमको वो हमारे अपने लोगों के हाथों से उनकी रेस्टोरेंट में बना हुआ अगर मिल जाए, वो भी विदेश में, जहाँ पे आदमी अपनी खुशबू के लिए तरसता है तो उसी तरह खाने के लिए भी तरसता है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो अभी रिसेंटली कुछ रोज ही हुए है इस रेस्टोरेंट को शुरू होकर के। तो आप यहाँ पे जब कभी भी दुबई आओ तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। और ये जो रेस्टोरेंट है मोहम्मद मसरूर जो है, इसके ताल्लुक से अगर आप और कुछ जानना चाहते हो या कुछ इंक्वायरी हो, यहाँ के जो नंबर है वो स्क्रीन पे मैंने दे दिया है, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यहाँ के जो इंस्टाग्राम आईडी वगैरह है उसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया ही दिया है, साथ ही साथ मैंने कमेंट अंदर भी पिन किया हुआ है। अब मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए, बहुत जल्द नई जगह पर दोबारा आपसे रूबरू होगा। खुश रहिए, इंजॉय कीजिए।